सोशल मीडिया आजकल हर कोई यूज कर रहा है, ऐसे में बहुत से लोग साइबर क्राइम के शिकार भी हो रहे हैं। बता दें कि देश में आए दिन साइबर क्राइम के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें अलग अलग तरीके से लोगों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। आपको बता दें कि डिजिटल चोरों ने अब चोरी का एक नया तरीका निकाल लिया है, जिसमें वे इंस्टाग्राम के जरिए लोगों को लूट रहे हैं। आइए जानते हैं इस बारे में पूरी डिटेल। नमस्कार, मैं कपिला और आप देख रहे हैं खबरिस्तान नेटवर्क। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर आजकल लोगों को लूटने का एक नया तरीका सामने आया है। बता दें कि चंडीगढ़ की एक इंस्टाग्राम यूजर लक्ष्मी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में जान आप भी हो जाएंगे हैरान। मेरा नाम लक्ष्मी है और मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि कल मेरी इंस्टा आईडी हैक हो गई है। अब मेरे इंस्टा आईडी से मुझे मेरे एक क्लोज फ्रेंड की आईडी से मैसेज आया था, जिसमें उन्होंने एक हिडन नंबर दिया हुआ था और उसमें ये उन्होंने ये बोला था कि जैसे आप इस हिडन नंबर का आंसर बताओ तो आप क्या है $500 जीत जाओगे। मैंने हिडन नंबर का रिप्लाई दिया और उसी वक्त क्या है मेरी इंस्टा आईडी हैक हो गई। और लक्ष्मी को इंस्टाग्राम पर अपने एक नज़दीकी दोस्त का मैसेज आया, जिसमें उसने लक्ष्मी को एक पेटीएम का स्क्रीनशॉट दिखाया। उसमें कुछ रुपए थे। उस स्क्रीनशॉट के साथ एक लिंक भी शेयर किया गया था और लिखा गया था कि उसने वो रुपए जीते हैं। आगे लिखा था कि उस लिंक पर क्लिक कर आप अपना इनाम ले सकते हैं। जब लक्ष्मी ने उस लिंक पर क्लिक किया तो तुरंत ही उसका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया। हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल जलंधर से। तो फ्रेंड, आज से दो दिन पहले मेरे फ्रेंड्स की एक स्टोरी लगाई हुई थी स्केच टाइप में, उसमें कुछ नंबरिंग लिखा हुआ था। तो वो मेरे को ऐसे पता नहीं था कि मेरे फ्रेंड की आईडी जो हैक हुई है। तो मैंने फिर उसका रिप्लाई किया, उन्होंने फिर मेरे से फ़ोन नंबर और गूगल पे नंबर का मतलब कुछ पूछा, तो मैंने उनको गूगल पे नंबर बता दिया। उन्होंने फिर मेरे को ये बात बोली थी कि हम हमारी कंपनी की तरफ से एक ईमेल सेंड करेंगे और ईमेल जैसे ही सेंड आप इंस्टा के साथ ऐड करोगे तो आपको अपना मनी प्राइज मिल जाएगा। तो मैंने उनका जो ईमेल अपनी इंस्टा आईडी से अटैच किया, अटैच करते ही मेरा अकाउंट हैक हो गया है और मेरी आईडी अब और ही कोई चला रहा है। तो मेरी आईडी का बहुत ज़्यादा गलत यूज हो रहा है। मेरी एक आईडी के कारण कम से कम 12 से 15 अकाउंट हैक हो चुके हैं। तो गाइज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी आपसे कुछ मांगता है तो प्लीज़ आप ईमेल या फ़ोन नंबर कुछ भी उनको सेंड ना करें और ना ही उनकी कोई ईमेल अटैच करें। रिक्वेस्ट है आपसे। अब अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो तो आप सतर्क हो जाएं और इसकी शिकायत साइबर सेल में आसानी से दे सकते हैं। आइए जान लेते हैं कि आप शिकायत कैसे दे सकते हैं। बता दें, शिकायत करने के लिए केंद्र गृह मंत्रालय की तरफ से 155260 नंबर जारी किया गया है। आपके साथ कभी भी साइबर क्राइम की कोई घटना हो जाए तो इस नंबर को तुरंत डायल करें। इस नंबर पर आप साइबर क्राइम से संबंधित कोई भी शिकायत कर सकते हैं। इसके साथ ही ये नंबर दिल्ली, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, असम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में 24 घंटे उपलब्ध है। इसके अलावा बाकी राज्यों में सुबह 10 बजे से 6 बजे तक आप इस पर कॉल कर अपनी शिकायत कर सकते हैं। cybercrime.gov.in पर मेल लिखकर भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि अगर आप पंजाब में रह रहे हैं तो आप नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर शिकायत कर सकते हैं। यह हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे उपलब्ध है। धोखे का शिकार हुआ व्यक्ति किसी भी समय अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। साइबर क्राइम से आखिर खुद को कैसे बचाएं? इसके लिए एक फुल सर्विस इंटरनेट सिक्योरिटी सूट का यूज करें, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें। इसके अलावा आप अपनी सोशल मीडिया सेटिंग्स में जाकर अपने अकाउंट को प्राइवेट कर सकते हैं। तो अब आप भी इस तरह के मैसेज आने पर सावधान हो जाएं।